आदि काल से ही बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने स्त्री के जिंदगी को जानने की चेष्टा की, उनको समझने की चेष्टा की, लेकिन आज तक उन्हें कोई समझ नहीं पाया। उनको समझने की किताब लिखने की शुरू तो की, लेकिन आज तक वो खत्म नहीं हो पाया। ऐसी क्या बात है या ऐसी क्या वजह है जिस वजह से बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी एक स्त्री के सामने फेल हो गए, उसके जिंदगी को किताबों के पन्नों में आकार नहीं दे सके? ऐसी क्या बात है? तो बात केवल इतनी सी है कि स्त्री से रहस्यमय जिंदगी इस संसार लोक में और कोई नहीं है। स्त्री का जीवन इतना रहस्यमय होता है कि हर एक पुरुष जिज्ञासु होता है उसे जानने को, उसे देखने को, समझने को। तभी तो स्त्री की तरफ सहसा ही पुरुष का कदम बढ़ जाता है। स्त्री उस रहस्यमय घाटी की तरह है जहां जाने के बाद, जिस घाटी में पैर रखने के बाद पुरुष एकदम से भौचक्का रह जाता है। कभी आनंदित होता है तो कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का। ये ऐसी घाटी है जिस घाटी में उतरने के बाद आप जितनी गहराई में जाओ उतना ही लगेगा कि ये और गहरा है। स्त्री इतनी ज्यादा रहस्यमय होती है कि वो कभी अपने रहस्य का उजागर नहीं करती है। कभी स्त्री को देखा है पहल करते हुए? पुरुष ही हमेशा आतुर होता है उसके समीप, उसके करीब जाने के लिए, उसके स्वरूप का, उसके यौवन का दीदार करने के लिए। पुरुष ही हमेशा पहल करता है प्रेम की, स्त्री कभी पहल नहीं करती। स्त्री का गुमसुम चुप स्वभाव ही पुरुष को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, उसे खींचता रहता है कि आओ तुम मेरे समीप आओ। स्त्री ना कुछ करके भी बहुत कुछ कर जाती है और यही वो कारण है कि वो इतनी ज्यादा रहस्यमयी है। यही वो कारण है कि हर एक पुरुष उसकी ओर बस खिंचा ही चला जाता है। पुरुष स्त्री के इस रहस्यमय जीवन को जानने के लिए, उसके रहस्यमय यौवन सौंदर्य को निहारने के लिए हमेशा मन में यही अभिलाषा बिठा के रखता है कि वो हमेशा ही एक कुंवारी स्त्री के साथ ही अपना संबंध बनाए, परिणय सूत्र बनाए, परिवार का निर्माण करें, ताकि उसके उस गूढ़ रहस्य को जान सके जो अति कोमल, अति विशाल और अति करुणामयी है। जिसका रहस्य उजागर हो गया, भला उसके साथ कौन संपर्क बनाना चाहता है? भला उसकी ओर कौन आकर्षित होना चाहता है? इसलिए पुरुषों में ये हमेशा ही आतुरता रहती है कि अगर वो निकट जाए तो एक कवारी स्त्री के निकट जाए, अगर वो परिणय सूत्र में बंधे तो एक कवारी स्त्री के साथ ही परिणय सूत्र में बंधे। क्या आपने कभी देखा है किसी स्त्री को आतुर होते हुए, किसी चीज के लिए कराहते हुए, कहते हुए या मांगते हुए? नहीं, स्त्री कभी किसी के लिए पहल नहीं करती, किसी चीज के लिए पहल नहीं करती, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो या फिर संभोग की अवस्था ही क्यों ना हो।